नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की रेसिपी है बेसन वाली भिंडी और इसको बनाना बेहद आसान है। भिंडियों को पहले लंबाई में और फिर चौड़ाई में काटें। एक बड़ा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, एक चुटकी हींग, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डालिए और इन सबको अच्छे से मिलाइए, जब तक कि ये मसाला सभी भिंडियों पर अच्छे से लग ना जाए। और इनको इसके बाद 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। एक पैन में तेल गरम कीजिए, चौथाई चम्मच मेथी, चौथाई चम्मच साबित सौंफ, जीरा, कलौंजी और चौथाई चम्मच आपने इसमें राई डालनी है। मसालों को अच्छे से भुनने दीजिए और जब मसाले अच्छे से भुन जाए तो उनमें स्लाइस करा हुआ तकरीबन 100 ग्राम प्याज डालिए। प्याज डालना ऑप्शनल है, अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आपको प्याज डालने की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। प्याज को हल्का सा गुलाबी होने दीजिए और जब प्याज गुलाबी हो जाए तो उसमें भिंडियाँ जिनको मैंने मसाला लगा के रखा था वो डाल दीजिए। अच्छे से चलाइए और कवर लगा के पकने दीजिए। बीच बीच में इसको चलाना मत भूलिएगा। और जब तक हमारी भिंडियाँ बन रही हैं तब तक हम यहाँ पर इसमें डालने के लिए एक बड़ा चम्मच बेसन, उसको धीमी आँच पर भून लेते हैं। याद रखिएगा कि बेसन हमने धीमी आँच पर भूनना है जब तक बेसन में से एक बहुत अच्छी खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। तब तक आप बेसन को भूनिए और उसके बाद गैस बंद कर दीजिए। इसको करीबन आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। अगर आपकी जब भिंडियाँ बन जाएं तब उसमें आप ये भुना हुआ बेसन मिला दीजिए। इस भुने हुए बेसन को अपने भिंडी में डाल के बहुत अच्छे से चलाना है, सारी भिंडियों पर लग जाए। बेसन डालने के बाद इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट और आपको धीमी आंच पर पकाना होता है और आपकी बेसन वाली भिंडियां खाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसको गर्मा गर्म रोटी पराठे पूरी के साथ खाइए और हमें बताना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको यह आसान सी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।